दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने शहर में मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि बॉस, अगर आप पैसे कमाते हो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर अगर आप पैसे कमाते हो, सो हाउ टू मेक डबल मनी बाय द अर्निंग्स ऑफ फिल्म्स, यानी जो फिल्मों से आप पैसे कमाते हो उसको और ज़्यादा डबल ट्रिपल कैसे कर सकते हो, इस विषय पे दोस्तों बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों बॉलीवुड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बॉलीवुड कभी भी यहाँ पे काम परमानेंट आपको नहीं मिलता है, कई बार अप्स आते हैं, कई बार डाउन्स आते हैं। कई सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे शाहरुख खान। कई सालों से शाहरुख खान की जो है फिल्में नहीं आ रही हैं, लेकिन आज भी वेल्थ के मामले में, पैसे के मामले में शाहरुख खान सबसे टॉप पे बने हुए हैं। कैसे वो बिज़नेस करते हैं, कैसे पैसे को डबल ट्रिपल करने के आइडियाज़ पे वो काम करते हैं, इसी विषय बात करूँगा दोस्तों। हो सकता है कि आज आप 10,000 कमा रहे हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप 1,00,000 कमाओगे, लेकिन क्या उन पैसों को 10,000 से 10 करोड़ और 1,00,000 से 1,00,000 करोड़ बना सकते हो? कैसे बनाओगे, इस विषय पर बात करूँगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल दूँगा, फाइनेंस का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए विषय की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर वन, देखो होता क्या है ना कि आप जब फिल्मों में पैसा कमाना स्टार्ट करते हो सो आप अपनी लग्जरी पे ज़्यादा काम करने लगते हो। जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले कार ले लेते हो, वॉचेज ले लेते हो, वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट यू नो आपके खर्चे होने लगते हैं, रेस्टोरेंट खर्चे होने लगते हैं, क्लोथिंग पे खर्चे होने लगते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेंटल बेसिस पे भी आप इनको चला सकते हो और पैसे बचा सकते हो। कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए वो मैं बताऊँगा, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करके पैसे को ड्यूटी पे लगा सकते हो और उस पैसे का जो प्रॉफिट आएगा उस पैसे से आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी कर सकते हो, राइट? तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल लूँगा दोस्तों आप लोगों, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आप उस पैसे को सबसे पहले आप लगाएं म्यूचुअल फंड में। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर वन है म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसको आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं, राइट? पॉइंट नंबर टू है दोस्तों, आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं। कहाँ पे लगाएं? प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार आपने वो संपत्ति ले ली तो हो सकता है आने वाले टाइम पर वो डबल हो ट्रिपल हो, प्रॉपर्टी हमेशा फ़ायदेमंद का सौदा रहता है। उसके बाद आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, राइट? गोल्ड बाइंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है, कभी भी उसमें डाउनफॉल अब तक देखने को नहीं मिला है, राइट? उसके अलावा आप कहाँ लगा सकते हैं? पॉइंट नंबर फोर, आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपसे पैसे लेके किसी यू नो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, फिल्म प्रोडक्शन में या म्यूजिक प्रोडक्शन में, जो आपको वादा करते हैं कि बॉस इतने समय में आपको डबल करके पैसा दिया जाएगा या ट्रिपल करके पैसा दिया जाएगा, ये कमीशन आपको दिया जाएगा, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। या आप किसी स्टार्टअप में पैसा लगा सकते हैं, जैसे कई सारे एक्टर्स हैं जिन लोगों ने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, यानी कि होटल्स चेन स्टार्ट किया है, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। 100 बात की एक बात अंत में यही बोलूँगा, चाहे आपके पास 1,000 है, चाहे आपके पास 1 करोड़ है, पैसा ख़त्म होने में देर नहीं लगता। आज से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आप अपने एडवाइज़र से बात करो, गार्जियन से बात करो, कंसल्टेंट से बात करो, कैसे आप पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हो, इस पे विषय पे बात करो, या डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पे ईमेल करो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। और मुझे लगता है कि इन विषय पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कई लोग ये वीडियो देखें जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं, लेकिन आपको भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉस आज नहीं तो कल आपको पैसे तो बचाने ही पड़ेंगे, और पैसे बचाने के लिए कोई अच्छा समय नहीं होता। इसी वक्त से पैसा बचाना स्टार्ट करो, उस पैसे को कहीं ड्यूटी पे लगाओ ताकि वो पैसा आपको कमा के दे और आपका जीवन अच्छा हो सके। कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चीयर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।